सीलिंग कटर दिखाकर एमसीडी के अधिकारी कंपनी मालिकों से करते हैं लाखों रुपए की अवैध उगाही। लाखों रुपए की अवैध उगाही का सीसीटीवी आया सामने, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे पहले फैक्ट्री में एमसीडी का एक अधिकारी पहुंचता है, फिर दूसरा अधिकारी, फिर शुरू होता है एमसीडी के अधिकारियों का सीलिंग के नाम पर फैक्ट्री मालिकों को डराना। उसके बाद ये पहली तस्वीर देखिए, कैसे एमसीडी का अधिकारी फैक्ट्री मालिक से पैसे के लेन देन की बात करता है, और उसके बाद फैक्ट्री मालिक डरा सहमा एमसीडी के अधिकारियों को रिश्वत के पैसे देता है। एमसीडी के अधिकारी रिश्वत के पैसे लेते ही वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। आपको बता दे, ये पूरा मामला मुंडका इलाके का है, जहां पर एमसीडी के दो अधिकारी कंपनी मालिकों के पास पहुंचते हैं और सीलिंग का डर दिखाकर कंपनी मालिकों से लाखों रुपए की अवैध उगाही करते हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि ये जो एमसीडी के अधिकारी हैं, इनका नाम रजनीश व मनीष है, और ये दोनों एमसीडी के अधिकारी मुंडका इलाके से फैक्ट्री मालिकों से अवैध उगाही करते हैं, और इन दोनों एमसीडी के अधिकारियों की ड्यूटी निलोटी में है। सूत्र बताते हैं कि ये दोनों एमसीडी के अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों के कहने पर मुंडका इलाके से फैक्ट्री मालिकों से अवैध उगाही करने जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीसीटीवी सामने आने के बाद उच्च अधिकारी इन दोनों एमसीडी के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।